दूसरी प्रॉपर्टी ये थी वैलेंसी। वैलेंसी में ये था कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 4 एंड देन रिड्यूसेस टू 0। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? तीसरी प्रॉपर्टी थी साइज ऑफ एटम्स और एटॉमिक साइज। उसमें हम ये बोलते थे ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी थी मेटालिक करेक्टर ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी थी केमिकल रिएक्टिविटी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज। रीजन सबके आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ। उसके बाद हाँ जी ये मैंने ना अभी साइंस को मैंने पिछले 3 दिन से कराया ही था, 3 दिन से मैं से करा रहा था, बल्कि कल तो 8 बजे वाली क्लास ही नहीं हुई, 7 बजे के बाद की कोई भी क्लास नहीं हुई, नेट ही नहीं चल रहा था मेरा, मैं यहाँ पर था खराब हो गया, तो मैथ्स ही करा रहा था। और ये मैं 8 to 9 वाले में करा रहा था, तो जितना पिछली बार कराया था ना यानी कि फ्राइडे उतना वही बार है, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्राइडे वाली तो करी होगी? हाँ तो कोई बात नहीं, एक क्लास में सुनी होगी वो। तो कोई बात नहीं, देख लेना, बस एक ही क्लास में सुनी होगी ज्यादा से ज्यादा। हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स जो है वो ही लास्ट में करी, बस इसकी एक क्लास में सुनी होगी और कुछ। फिर अगला था बेटा केमिकल सॉरी नेचर ऑफ ऑक्साइड। सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट चलता है। तो ये तो हमारे पीरियड्स की प्रॉपर्टीज थी। फिर उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स पर ही है, ये है by considering their position in the periodic table, by considering their position in the periodic table, by considering their position in the periodic table, which one of the following elements would you expect to have the Would you expect to have the maximum metallic character? Maximum metallic character, ठीक है, by considering their position in the periodic table, कुछ elements दे रखे हैं, देखिए एलिमेंट्स हैं गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बेरिलियम। बता देंगे मेटालिक करेक्टर, मैं पीरियड्स की प्रॉपर्टीज कर चुका हूं वो मेरे को पता है, मैंने ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज अभी नहीं करी है, तो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज पर ये क्वेश्चन है भी नहीं, पीरियड्स की प्रॉपर्टीज पर बताएंगे। पीरियोडिक टेबल में जब मेटालिक करेक्टर वाली प्रॉपर्टी आती है तो उसमें हमने ये देखा था कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है, यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट है एलिमेंट उसका मेटालिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और जितना 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 मैं राइट की तरफ जाता जाऊंगा मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता जाए, ठीक है। इनमें कोई एक ऐसा एलिमेंट दिखाई देता है जो थोड़ा लेफ्ट की तरफ हो या ज्यादा हो लेफ्ट की तरफ? आपका
थर्ड में नहीं, ग्रुप की बात कर रहे हो ना, लिथियम बेरिलियम सेकंड ग्रुप में आएगा। लेकिन अगर पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड भी सेकंड ही है। तो पहला पीरियड क्या है, हाइड्रोजन हीलियम है ना, उसको तो छोड़ दो, एक्सेप्शनल केस है। जो दूसरा पीरियड है उसमें लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फिर फाइनली नियॉन ये आता है। तो जो हमारा सेकंड पीरियड है उसमें दूसरी पोजीशन पर आ रहा है, यानी कि लेफ्ट की तरफ है। हम ये कहेंगे आउट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स बेरिलियम लाइज इन period 2 and it is in the left side beta 1 minute wait kariye bas it is in the left side or we are going to say we know that on moving from left to right in a period metallic character decreases so the element which is more towards left has more metallic character jo jitna left ki taraf hoga uska utna hi zyada metallic character strong hoga aur maximum metallic character ho gaya beryllium beryllium has maximum metallic character sir matlab jo jitna left mein hoga uska metallic character utna zyada hoga तो जितना लेफ्ट में होगा उसका मेटेलिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा ठीक है तो जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज को यूज करके उन प्रॉपर्टीज को मेंशन करके आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे किसी भी क्वेश्चन ठीक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्वेश्चंस इस तरह से बनेंगे इसके बाद बेटा अगला देखेंगे अगला है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स अब क्या है कि करेक्टरिस्टिक्स तो वही रहेंगे वही सारे के सारे पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरा वैलेंसी तीसरा आपका साइज ऑफ एटम्स फिर एटॉमिक करेक्टर फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड और फिर आपका केमिकल रिएक्टिविटी तो ये जो छह है ना प्रॉपर्टीज ये तो सेम रहेंगी लेकिन ग्रुप्स में थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएंगी कैसे वो देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स characteristics of groups sir a
जी बोलो सर, एक डाउट है, बोलो। तो ये जो आपने क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर टू था, जो आपने एलिमेंट्स लिखे, ये पीरियड्स में है ना? यार ये हाँ पीरियड वाली प्रॉपर्टी। हाँ तो सर मेरे मेरे हिसाब से मेरा लेफ्ट तो जी ए आ रहा है, जी ए नहीं होना चाहिए इसका आंसर? बिल्कुल मोस्ट लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट में तो जी ए ही है ना? नहीं नहीं आप समझे नहीं, यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर एलिमेंट्स तो ऐसे ही रैंडमली दे रखे हैं। अच्छा ये जो एलिमेंट्स है ना, पांच एलिमेंट्स जो है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये पांचों एलिमेंट्स इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, आप ये देखोगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा ज्यादा लेफ्ट की तरफ एग्जिस्ट करता है। मैं एक बार पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ, पीरियोडिक टेबल देखो फिर समझ में आएगी चीज। देखिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखना, अभी ऑफलाइन वालों को भी दिखाता हूँ। देखिए इसमें ना, जैसे हम एक एक करके एलिमेंट ढूंढते हैं, सबसे पहले मैंने देखा गैलियम किधर है, ये पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में मुझे गैलियम ढूंढना है, गैलियम कहाँ पर है। तो पीरियोडिक टेबल में गैलियम जो है वो देखिए यहाँ पर है, गैलियम इस जगह पर है, ठीक है। उसके बाद जर्मेनियम देखो, जर्मेनियम यहाँ पर है, फिर आर्सेनिक देखो, आर्सेनिक यहाँ पर, सेलेनियम यहाँ पर। तो गैलियम इधर, फिर जर्मेनियम इधर, फिर आर्सेनिक, फिर सेलेनियम। तो ये चार एलिमेंट्स को इधर है, कहाँ पर है, बिल्कुल राइट की तरफ, बिल्कुल राइट की तरफ। और एक अकेला जो बेरिलियम है, बेरिलियम को यहाँ पर देखो, बेरिलियम बिल्कुल यहाँ पर है लेफ्ट में, ठीक है। तो गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम ये तो इस तरफ है, और बेरिलियम एक यहाँ पर है, तो इसका तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक करेक्टर है। जितना कोई भी एलिमेंट लेफ्ट की तरफ होगा वो उतना ही ज्यादा मेटालिक होगा। समझ में आ गया? यस सर। पूरी नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि आप तीन या चार पीरियड तक याद कर लीजिए, बस चौथा पीरियड भी याद कर लेना, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड का था ये जो एलिमेंट है ना इसमें, चौथे पीरियड तक कर लो, उसके आगे की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से निकल जाता है ना। और जरा देखिएगा कि मैं अब आता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप का। तो पहला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आप नोट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में नोट करिएगा All the elements of a group of the periodic table, all the elements of a group of the periodic table of a group of the periodic table of a group of the periodic table have the same number of valence electrons have the same number of valence electrons। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं ना, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में मैं कैसे जाता हूँ, जैसे पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली अगर हम मूव करते हैं तो वो पीरियड कहलाता है। लेकिन अगर हम वर्टिकली जाते हैं तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो वर्टिकली जब हम देखते हैं तो वर्टिकली क्या मिलता है आपको, ग्रुप। तो वर्टिकली अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो वर्टिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज ही नहीं होते, बिल्कुल सेम रहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के नाम पर आप ग्रुप वन देख लीजिए, एग्जाम्पल ग्रुप वन। अब ग्रुप वन जो है वो ग्रुप वन एक बार दिखाता हूं आपको दोबारा पीरियोडिक टेबल में, देखिएगा सर। हाँ जी बोलो सर, इस चैप्टर को सर खत्म होने में कितने क्लास लग जाएंगे सर? और आज हो रहा है खत्म, तो सर इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा दोगे? कोऑर्डिनेट ये तो मैं साइंस का करवा रहा हूँ ना, साइंस में बता ना, साइंस में कौन सा नेक्स्ट कराएं वो बता देना सर। बायो, बायो,
बायो कर लेंगे, मैथ्स में करा दूंगा बेटा कोऑर्डिनेट नेक्स्ट, ठीक है? ओके सर। अब जरा देखिएगा, मैं अगर ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो मैंने पहले ग्रुप की बात करी, तो पहला ग्रुप देखिए, इसमें जो ये पहला एलिमेंट है ना हाइड्रोजन, ये तो एक्सेप्शनल केस है, इसको तो हटा दो। फिर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सारों को तो लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको चार चार जो है पीरियड तक याद करने के लिए बोला था, तो आप ग्रुप वन में पीरियड फोर तक ही पहुंचो, बस लिथियम सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं, बस एग्जाम्पल ही तो लेना है। हाँ ग्रुप में भी बस आप क्या करना है, आप पीरियड फोर तक याद कर लेना है बस, फिर ग्रुप आप यहीं तक करो, पूरा लंबा करने की जरूरत है, ठीक है? बस इतना ही, इससे ज्यादा है ही नहीं आपके सिलेबस में, नहीं है वो मतलब बड़े एलिमेंट, वो जरूरत नहीं है आपको। बस अब जरा देखिएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ले रहा हूँ ग्रुप वन। तो ग्रुप वन में हमने बोला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? थ्री, ठीक है? क्योंकि थ्री हो गया तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? टू वन। ऐसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्या 281, इसका कितना होता है पोटेशियम का 19, इसका क्या हो जाएगा 2881। तो सब में देखो, इसमें भी वन, इसमें भी वन, इसमें भी वन। तो ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेंस अनचेंज्ड, ठीक है? ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ valence electrons remains unchanged. फिर सेकंड देखेंगे valency, valency और valence electron ये तो काफी related हैं एक दूसरे से, है ना? तो valency में भी आप क्या लिखेंगे? All the elements in a group have the same valency. All the elements in a group have the same valency. Have the same valency. Example. एग्जाम्पल को अगर आप ले लो ग्रुप 13, मर्जी है आपकी, ग्रुप 1 ले लो, ग्रुप 2 ले लो, लेकिन ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बाद में फिर 3 से लेकर और 12 तक फिर गायब कर देना, ठीक है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अगर जब भी हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ना, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बाद में अगर कोई एग्जाम्पल लेना है तो फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 करो। गिनती ऐसे याद रखना, 1, 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8 होता है ना, है ना? तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ना करके 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये करो, क्योंकि बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटालॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। मुझे मेटालॉइड पढ़ना ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो मेटल और नॉन मेटल देखना, ठीक? तो शुरुआत वाले जो हैं वो हमारे मेटल हो गए, ठीक? पहला ग्रुप वन और ग्रुप टू बीच के मेटालॉइड्स हो गए, और फिर जो लास्ट वाले हैं उसका पहला एलिमेंट मेटल आ जाता है, लेकिन वो भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं होता, लेकिन बाद के सारे नॉन मेटल हो जाते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें ग्रुप वन, ग्रुप टू और फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आप चाहो तो ग्रुप वन ले लो, चाहो तो ग्रुप टू ले लो। चलिए मैं ग्रुप 13 लेता हूँ, हमने ये कहा ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 जरा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप 13 ये ग्रुप नंबर 13 है, यहाँ देखिएगा स्क्रीन पर, ग्रुप नंबर 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, मैं बस तीन ही एलिमेंट्स ले रहा हूँ, बाकी नहीं दिखा रहा, ठीक है?
देख लीजिए, ये है ग्रुप नंबर 13, बोरोन एल्यूमिनियम और गैलियम, बोरोन एल्यूमिनियम और गैलियम, बोरोन का एटम नंबर 5, एल्यूमिनियम का 13 और गैलियम का 31, मैं तीन एलिमेंट होगा। ठीक, तो जरा देखिएगा, बीच वाले हैवी मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मतलब वो मेटल्स हैं नॉन मेटल की तरफ ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन मतलब चेंज, मुझे वो लेने ही नहीं, उनको मेरे को पढ़ना ही नहीं। तो हम ग्रुप 13 की बात करते हैं, तो बेटा ग्रुप 13 में क्या है, बोरोन, इधर देख रहा हूँ, बोरोन एल्यूमिनियम और गैलियम, जो बोरोन है इसका एटम नंबर होता है 5, एल्यूमिनियम का 13 और गैलियम का 31, ठीक है, तो इसका हो गया 5, तो 5 को क्या होगा 2, 3, इसका हो जाएगा 2, 8, 3, इसका क्या हो जाएगा 2, 8, अब अगला क्या है, 8 या 3, सर 8, सोच लो सर 8, सर 8, मान लिया, लेकिन क्या है कि इसमें जो फंडा है ना, क्योंकि मैं पीरियड नंबर 4 में आ गया, तो पीरियड नंबर 4 के जरा एलिमेंट्स काउंट कर, है किसी के पास नहीं, देखिए जी मैं पीरियड नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, तो पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स काउंट करो जरा, ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 एलिमेंट्स हैं। तो चूंकि हम पीरियड 4 की बात कर रहे हैं, हम जनरली, मैंने आपको बोला था कि आपको जब भी पीरियड की भी बात करनी है ना, तो पीरियड में आप ज्यादा से ज्यादा ये समझिएगा कि टीचर आपको पीरियड नंबर 3 तक ही देगा क्वेश्चन, 4 का आता भी नहीं है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि 4 जो है वो हमारा लॉन्ग पीरियड में आ गया। तो जो अब तक हमने पढ़ा है स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट कि भाई 8 के बाद में दोबारा भी 8 ही आता है, वो 8 पर ही स्टेबल हो जाता है, वो कंसेप्ट भी ठीक है, लेकिन वो कंसेप्ट एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड्स तक है। लॉन्ग पीरियड जैसे ही आ जाते हैं ना, तो क्योंकि पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, 18 हैं, तो वो पूरा का पूरा 18 का अपना कंप्लीट कर सकता है, वो पूरा 18 वाला, जैसा तीसरा शेल होता है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32, ठीक है, तो ये आता है, तो वो चौथे पीरियड पर आते ही वो 18 वाला भी ले सकता है। तो वही चीज यहाँ पर मिल गया, आप देखिए 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 + 18 कितना हो गया 28, 28 और 3 कितना हो गया 31, तो तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम आ रहे 3, ठीक है। अब सर ये वाला फिर से समझा दो, 8 वाला, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी हमारे पास कोई लॉन्ग पीरियड आ जाता है ना, जैसे पीरियड नंबर 4 है, पीरियड नंबर 4 के टोटल एलिमेंट्स आप काउंट करोगे तो 18 एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स 18 है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 18 तक हम जा सकते हैं। 2, 8, आप ये देखो ना कि मुझे 8, 8, 8, 8 बार बार लेना पड़ता है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जब इसका एटॉमिक नंबर 31 है, तो 2 और 8, 10 आ गया, तो अगला 18 तो पूरा लूप पूरा का पूरा फिलअप हो रहा है, और 18 पर तो और स्टेबल हो जाएगा, तो तीसरे लूप में मतलब तो तीसरा जो शेल है, तीसरे शेल में 18 आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतने एलिमेंट्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 31 है, समझ गए मेरी बात। कौन सा बोला, सेकंड में, हाँ अच्छा, जैसे यहाँ पर कह रहा हूँ सेकंड वाले में तो 8 ही आते हैं, ये होता है रूल, ये होता है कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 आएंगे, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 आएंगे, तो दूसरे में मैक्सिमम 8 ही आते हैं, नहीं तो मैं दूसरे में यहीं पर 18 नहीं आता, ये कह रहे हो ना, तीसरे में मैक्सिमम 18 फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, n इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट शेल यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो पहले में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकंड शेल, तो फॉर्मूला होता है 2 × 2 का स्क्वायर, तो दूसरे में मैक्सिमम 8 ही है, ठीक है, और n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, थर्ड शेल में मैक्सिमम 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18,
तो क्या होता है, ऐसे ही अगला लेंगे n = 4 तो वो हमारा 32 आ जाएगा। ये है वेरी लॉन्ग पीरियड्स के लिए, वेरी लॉन्ग पीरियड्स पर तो वैसे भी रिसर्च चल रहा है, वो तो 12th लेवल क्या ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्पज ही मेरा ग्रुप नंबर 13 लेने का ये था कि मैं आपको ये चीज समझा सकूं, इस चीज को आप ये समझिएगा कि आपसे ये चीज पूछी नहीं जाती एग्जाम में, आप अपना काम खत्म भी कर सकते थे यहाँ पर, आप पीरियड आप ग्रुप वन या ग्रुप टू का एग्जाम्पल लेकर खत्म कर देते, जरूरत ही नहीं थी आपको उस चीज की, ठीक है। हम यहाँ पर ये जो दिखा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि जब एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ज्यादा मतलब आप देखो ना 30 से ज्यादा हो गया, 30 से ज्यादा हो गया तो पहला शेल फिलअप हो गया 2, दूसरा शेल फिलअप हो गया 8, 2 8 करके 10 हो गए, अरे अभी भी 20 तो बच रहे हैं, अगर 30 है एटॉमिक नंबर, अगर 30 है तो 20 तो बच रहे हैं तो फिर 18 ले सकते हैं। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर ही हमारा ऐसे है कि 24 है 25 है या मतलब 26 है तो 26 तक भी वो 18 तक नहीं पहुंच पाते, 18 से कम भी ले सकते हैं, फिर 18 से कम ले सकते हैं 8, जैसे हम कहते हैं ना पहले किसी का 8 ही लेना, फिर 8 लेना है क्योंकि 8 पर स्टेबल हो जाता है कोई भी एलिमेंट, 8 पर स्टेबल हो जाता है। यही एक रीजन था जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, उसमें यही था कि जब पहले में 2 है दूसरे में 8 है तो तीसरे में आप ऐसा क्यों करते हो, जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, हम पोटेशियम की बात करते हैं, है ना, तो पोटेशियम में हमें ये करना चाहिए था ए 2 और 8 हो गया 10, 10 के बाद 9 लेना चाहिए था मुझे सीधे, अभी तो 19 होता कि भाई 9 है 9 वो पूरा 19 आया, तो क्या होगा कि इस फिर 8 कॉमा 1 क्यों करा, क्योंकि 8 पर भी ना थर्ड शेल 8 पर भी स्टेबल हो जाता है, तो जब 8 आ गया तो उन्होंने कहा कि चलो 8 ले लिया थर्ड शेल में और चौथे शेल में 1 को शिफ्ट कर दिया, इस वजह से 2881 करा, नहीं तो यहीं पर भी दिमाग में आ सकता है यहाँ पर मुझे 9 लेना चाहिए था, मुझे चौथे शेल से जाना ही नहीं चाहिए, अगर हाँ फिर वो गलत हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा क्योंकि कोई भी एटम है ना, एटम का ये प्रिंसिपल है ये रूल है कि वो स्टेबल होना चाहता है, और वो स्टेबल होगा 8, अगर उसको 8 में उसको आराम दिखाई दे रहा है कि 8 एलिमेंट्स पर मैं स्टेबल हो रहा हूँ तो ठीक है, अगर उसको ये दिखाई देगा कि 8 के बाद अगर उसको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर 10 आ रहे हैं तो वो ये कहेगा कि मैं 10 के लिए अलग शेल में क्यों जा रहा हूँ, इन 10 को मैं साथ में उड़ा लेता हूँ 18 कर लेता हूँ, 18 की तो मेरे पास कैपेसिटी है ही, 18 की तो मेरे पास कैपेसिटी है ही, तो वो 8 के बाद ये सोचता है कि अगर मैं 18 तक आ रहे हैं मेरे पास तो मैं 18 बना लेता हूँ, अगर 18 नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं 8 नहीं सेटिस्फाई, मतलब कुल मिलाकर तीसरे शेल में या तो 8 या 18, 8 या फिर 18 बस, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा अब इसके बाद देखिएगा, तो हम यहाँ से ये कहते हैं कि इस पर 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, ठीक। उसके बाद ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, उसके बाद ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता। यहाँ पर भी क्या है, ये चौथा आता है ना हमारे पास, जो चौथा शेल है, चौथे शेल के लिए है कि वो 5 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 8 ही लेना चाहेगा, 8 आ गए तो सेटिस्फाई, ठीक। फिर वो ट्राई करेगा कि 18 आ गए, खैर मुझे उतने लंबे पर जाना ही, आप सीधा सीधा ये देखिएगा कि इनकी वैलेंसी कितनी है, 3-3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो 3+ वैलेंसी सबकी, समझ गए। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई ग्रुप्स की, के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेंस सेम, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप वैलेंसी रिमेंस सेम, ठीक। ये दो तो याद करने का कोई जमेला ही नहीं है, ये वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं ग्रुप्स में, ठीक। चलिए जी, तो दो प्रॉपर्टीज तो इसकी बिल्कुल आसान है, यही तो बताया तब से, क्या बता रहा कि वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे उसको, यहाँ पर 3 है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उसको डोनेट कर देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे 3, तो 3+ जो डोनेट करता है उसकी वैलेंसी हो जाती है, प्लस का टाइम बनाता है तो 3+ उसकी वैलेंसी हो गई। ऐसे ही इसको भी 8 बनाने के लिए उसको 5 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने पड़ेंगे, तो बाहर से ले जाना प्रेफर करके वो कहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन है ना, चलो इन्हें डोनेट ही कर दो, क्लियर है। चले बेटा आगे बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को बताइए, क्लियर है सबको? यस सर। रोहन समझ गए? यस सर। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा,
थर्ड प्रॉपर्टी है वही जो हमने पहले भी देखी थी, साइज ऑफ एटम। पीरियड्स में देखी थी वही प्रॉपर्टी यहाँ भी देखी है, साइज ऑफ एटम। यहाँ पर बताएंगे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा या घटेगा? From doing going up to down, the size of atom will be increased. Will increase. ठीक हो जाएगा, क्या रीज़न बताओगे क्या है? सर क्योंकि है जो हमारी एटॉमिक रेडियस घट रहा है। क्या? Number of valences बढ़ रहे हैं सर। Valences. थोड़ी है। Size of atom सबसे पहले लिखिएगा। On going down in a group of the periodic table, the size of atoms increases. On going down in a group of the periodic table, on going down in a group. Periodic table, on going down in a group in the periodic table, the size of atoms increases. The size of atoms increases. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे रीजन व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। रीजन व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, when we move top to bottom in a group, a new shell of electrons is added to the atoms. A new shell of electrons is added to the atoms at every step. At every step, full stop. Due to which the size of atoms also, due to which the size of atoms also. और खुद देख लीजिए, अगर मैं एग्जाम्पल लू यहाँ पर, एग्जाम्पल ग्रुप वन का ले लो आप, एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.81। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.881। तो आप ये देख रहे हैं कि हर स्टेप पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शेल ऐड हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन शेल ऐड हो रहा है ऊपर से नीचे आते हुए, तो इलेक्ट्रॉन शेल जब ऐड हो रहा है तो साइज ऑफ एटम तो बढ़ेगा ही। पहले में एक शेल है, सॉरी पहले में दो शेल है यहाँ पर, ठीक है, तो इतना होगा। दूसरे में तीन शेल है तो एक एक्स्ट्रा शेल आ गई तो इतना हो जाएगा। तीसरे में चार शेल है तो और बड़ा हो गया, वो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो हर स्टेप पर जब शेल जुड़ भी जा रही है तो साइज ऑफ एटम तो बढ़ेगा ही, समझ गए, ठीक। ये इसका तीसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी के बाद में चौथी प्रॉपर्टी नोट करें, मेटालिक करेक्टर।
मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर में ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल on going down in a group on going down in a group of the on going down in a group of the periodic table the metallic character of elements increases. The metallic character of elements increases. बेहद आसान सा रीजन है, आप ये कहेंगे मेटलिक करेक्टर कैसे इंक्रीज हो रहा है. मेटलिक करेक्टर तो इस चीज से, इस चीज पर डिपेंड करता है कि भाई पहला जो एलिमेंट मतलब जो इसमें आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर ये आसानी से डोनेट कर पा रहा है, वो अगर ये आसानी से डोनेट कर पा रहा है तो मेटलिक करेक्टर ज्यादा है. तो यहाँ तो सारे के सारे आसानी से डोनेट कर पा रहे हैं, है ना. तो सारे आसानी से डोनेट कर पा रहे हैं, सबने एक 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 सबने एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो क्या है कि इसमें दूसरे शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आसानी से डोनेट कर देगा फटाफट कि अरे एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है आउटर पोस्ट में, फेंक दो इसको, निकाल दो फटाफट. तो इसका मतलब इसने आसानी से डोनेट कर दिया. सोडियम में और ज्यादा आसानी से डोनेट करेगा. रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये और भी तीसरे वाले शेल में पड़ा हुआ है, यानी कि इसको अट्रैक्ट करने में न्यूक्लियस को दिक्कत होगी, है ना. यहाँ पर न्यूक्लियस इसको आराम से अट्रैक्ट कर रहा है, तो आराम से वो इसको ज्यादा कंफर्टेबली डोनेट करेगा और ये तो बहुत आसानी से डोनेट होगा. क्यों? बिल्कुल ही बिल्कुल चौथे वाले उसमें पड़ा हुआ है, तो चौथे शेल में. ठीक, तो जितना आसानी से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, कोई भी एलिमेंट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उतना ही ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होता है. इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब कैटायन बना रहा है क्योंकि वो डोनेट कर रहा है. इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब मेटलिक करेक्टर भी उसका ज्यादा है. तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है. मैं रीजन इसका लिखवाता हूँ, अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे रीजन वो मैं लिखवा रहा हूँ. हाँ जी, रीजन पे लिखेंगे as we go down in a group one more electron shell, as we go down in a group one more electron shell is added at every stage, is added at every stage, is added at every stage, full stop. The valence electron become more and more away from the nucleus. The valence electron The valence electron becomes more and more. Valence electron become more and more away from the nucleus, more and more away from the nucleus, and hold of the nucleus on valence electrons, and hold of the nucleus on
valence electrons decreases होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई न्यूक्लियस की होल्ड डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा दूर होते चले जाएंगे, ठीक है. ड्यू टू दिस एटम कैन लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ड्यू टू दिस एटम्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स more easily, can lose electrons more easily and hence the tendency to lose electron increases and hence the tendency lose electrons increases on going down in a group. Going down in a group. And so metallic character also increases. नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रीजन जरूर पूछे जाते हैं, वैसे तो कोई भी बता देगा, रट्टा मार के सब चले जाते हैं, रीजन जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है. उसके बाद अगला पॉइंट है बेटा केमिकल रिएक्टिविटी, पांचवा है केमिकल रिएक्टिविटी. अच्छा इसमें है तो मेटालिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस, एक लाइन और लिख लीजिए, एंड दस नॉन मेटालिक कैरेक्टर उल्टा भी पूछ लेते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज. तो ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ये चौथी प्रॉपर्टी थी. उसके बाद पांचवी देखिएगा केमिकल रिएक्टिविटी, ऐसे ही बता दो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बता दो. मेटल्स की इंक्रीज होगी और नॉन मेटल्स की डिक्रीज होगी. रीजन क्या है, आप ये देखिएगा कि ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वो फटाफट फटाफट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं. जितना ज्यादा मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ आया तो यहाँ पर तो दूसरी शेल में था तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, यहाँ तीसरी शेल में था बड़ा दूर हो गया, न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पा रहा तो इसने फटाफट और जल्दी डोनेट कर दिया, यहाँ चौथी शेल में आ गया तो इसने और जल्दी से डोनेट कर दिया, यानी कि जो जितनी जल्दी डोनेट कर रहा है यानी कि वो उतनी ही जल्दी रिएक्ट कर रहा है, उतनी जल्दी भड़क रहा है, तो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव. तो हम ये कह रहे हैं कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे दो पॉइंट्स में लिखेंगे बेटा. फर्स्ट है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स increases on going down in a group. इसमें रीजन में बस एक चीज लिखनी है आपको, बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर increases जब मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स की इंक्रीज ही होगी. जब मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें वो पूरा आदमी बताने की जरूरत नहीं है कि वो बहुत आसानी से डोनेट कर पाता है, वो पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है. अगर क्वेश्चन आता है थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगा हुआ है मतलब ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें एक लाइन ये भी लिख देगा कि एटम्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली एंड हैंस द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, दैट्स व्हाई मेटलिक करेक्टर इंक्रीजेस.
ठीक है, तो वो सेम चीज मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ। अगर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा हूँ गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, तो केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये रीजन अपने आप में सफिशियंट है। और उसके बाद इसमें फर्स्ट आपने ये लिखा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, सेकेंड नॉन मेटल्स का लिख लो इसमें, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप। Because non-metallic character decreases. At that point, nature of oxides, ये is related है metallic और non-metallic character से। भाई मेटलिक करेक्टर ऊपर से नीचे तक हम जा रहे हैं, तो मेटलिक करेक्टर लगातार इंक्रीज हो रहा है। और मेटल कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक या एसिडिक? बेसिक, मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो बेसिक नेचर जो है ऑक्साइड का वो बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने में, क्योंकि मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। और नॉन मेटलिक करेक्टर घट रहा है तो एसिडिक नेचर घटेगा। बस ये लिखना है आपको, नोट करें, ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप कोई चेंज नहीं होगा। बस एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लीजिएगा, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट। देयर इज no change in the nature of oxides of the elements. Change की बात करिए, बढ़ने और घटने की बात नहीं करिए। नेचर ऑफ ऑक्साइड सिर्फ चेंज की बात करिए। वो चेंज की बात क्यों करिए, क्योंकि अगर मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ तो सारे के सारे मेटल बेसिक ऑक्साइड ही बनाएंगे। वो बेसिक ऑक्साइड जो है वो चेंज होकर एसिडिक नहीं होगा, वो बेसिक है तो बेसिक ही। इसी तरीके से अगर नॉन मेटल्स के ऑक्साइड की बात करेंगे तो वो एसिडिक है तो वो एसिडिक। बस इतना, और कोई इसमें रीजन वगैरह नहीं नोट करना है, ठीक है जी। तो ये चैप्टर आपका फिनिश है, रहेंगे तो इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह और कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे एक बार, ठीक है जी। यही टोटल था इसमें चैप्टर में, बस इसके क्वेश्चंस और देखेंगे कल।